हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ फिज गुरु क्लासेस। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट क्लास 10 पोल स्टार 2023-24 सॉल्यूशन कर रहे हैं। पेज नंबर आपका 14, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपने 1 to 5 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है पोल स्टार की, तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले उसे देख ले, फिर इन वीडियो को देखे तो आपको बेटर समझ में आ सकता है। चलो फिर स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रांच मैथमेटिक्स की है, इसमें क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पोर्शन को पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स विद द ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। ज्योमेट्री कौन से होते हैं, कॉनग्रुएंट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपने जब प्रूफ किया था ना, किसमें प्रूफ किया था आपने, तो वो आपने ज्योमेट्री पोर्शन में आपने प्रूफ किया था। अलजेब्रा में क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, जो अलजेब्रिक फॉर्म होते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट है, क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट आपको होता है ये पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। इधर माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, साइन होते हैं ऐसे। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस और ये प्लस, पहले एक्स एक्सिस का लिखना है फिर वाई एक्सिस का लिखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के माइनस और ये माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और ये माइनस। वैसे रिवर्स साइन लिख देना, सामने सामने देखो रिवर्स पड़े होते हैं, साइन करने से कंप्लीट हो गया। फिर आता है आपका डिस्टेंस फार्मूला, क्या आता है, डिस्टेंस फार्मूला। जैसे ये दो पॉइंट है P और Q है, इसका डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला PQ इज इक्वल टू क्या लगाओगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसे चेंज करके भी लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप रिवर्स भी करें तो कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। मींस मेरा कहने का मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर, इक्वली बात है, कोई फर्क नहीं आता। इसलिए आप बेफिक्र होकर फार्मूला चेंज करके भी लगा सकते हैं। फिर आता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। फिर आपको क्या आता है, सेक्शन फार्मूला। पहले हम लोग बेसिक फार्मूले को जानते हैं फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट है P और Q, बीच में R कोई पॉइंट इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। मान लो ये M और N रेशियो में है, यहाँ पे X1 Y1, यहाँ पे X2 Y2। तो यहाँ पे इसका जो X और Y की वैल्यू निकालनी है, इसके ऑर्डिनेट आपने निकालने हैं। कैसे निकल, X इज इक्वल टू पहले यहाँ पे M प्लस N लिख देना, M प्लस N लिख देना, यहाँ पे लिख देना X2, यहाँ पे लिख देना X1। बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। फिर y की वैल्यू निकालनी होगी, y इज इक्वल टू एम प्लस एन, एम प्लस एन, यहाँ पे y2 लिख देना, यहाँ पे y1 लिख देना, ठीक है। अगर यही बात यहाँ पे हो जाए, ये दोनों इक्वल से x की वैल्यू m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू, मीन्स मिड पॉइंट हो, तो आपने क्या लगा देना है यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, सॉरी m की वैल्यू 1, n की वैल्यू भी 1, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले सारे पता हो गए होंगे। अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, MCQ को, ठीक है। MCQ है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट x1 y1 a b x2 y2 इज, मिड पॉइंट का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे अभी लिखा था मैंने, क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो a नंबर आपका ऑप्शन अभी आंसर हो गया, मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अब देखो पॉइंट एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट जैसे ये 3 है, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 3 0 होगा, क्या होगा इसका ऑर्डिनेट, 3 0। तो एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू नहीं होती, जिसे एक्सिस को पूछेगा उसकी वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो एक्सिस का वैल्यू किसमें है, इसमें है, और ओनली एक्सिस पर, तो वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। वाई की वैल्यू कहाँ पे 0, इसी में है, देखो इसे y की वैल्यू 0 है ना, ये आपका आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने क्या बताया था, साइन प्लस
प्लस होना चाहिए, पहला पॉइंट ये है। तो आपने प्लस प्लस साइन देखे ना किसमें है, ये देखो इसमें प्लस प्लस साइन है ना, बाकी माइनस आया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया है। थ्री क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3-4 फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपका पॉइंट जो है 3 और 4 है, यहाँ पे 4 3 4 है यहाँ पे पॉइंट, और ये कहाँ से लेना है, ओरिजिन से लेना है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, यहाँ पे 0 और 0। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी आपको बताया था, पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। आप लगा दो सीधा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना होता है 25, रूट अंडर 25, रूट अंडर 5 का 25 का 5 होता है, रूट बाहर निकालोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने ऑप्शन ये गलत लिख दिया है, ठीक है, आपका आंसर जो क्या होगा, डिस्टेंस 5 आपका आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन वाई एक्सिस। कोई जो पॉइंट है यहाँ पे बता रहा है कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वाई एक्सिस पे है। अभी आपको ट्रिक बताया था, जिस एक्सिस पे बोले उसकी वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो आपने देखना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और वाई की वैल्यू कुछ होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा है, एक्स की वैल्यू 0 बता रहा है, वाई की वैल्यू देखो ए है, तो आपका ये बी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट में आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, इसमें रख लो वैल्यू को। तो यहाँ पे एक्स वन क्या होगा, माइनस का 1 और प्लस का 4/2 और 7 प्लस माइनस का 3/2 कितना हो गया, 3/2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 4/2, कटिंग करोगे 2 आएगा, 3/2 और ये 2 आपका आंसर है। देखो 3/2 और 2 किस में आ रहा है, बी में आपका, तो ये आपका आंसर हो गया। सेवंथ क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2-2 एंड माइनस का 1 एक्स इज 5। दो पॉइंट का आपको डिस्टेंस गिवन है, पी और क्यू का जो है डिस्टेंस आपको कितना है 5 गिवन है। इसका पॉइंट जो है 2-2 है, इसका पॉइंट जो है माइनस का 1 और एक्स है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला लगा देना है, पी क्यू का स्क्वायर कर लो, रूट हटा दो वहां से, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जो रूट है या स्क्वायर में चेंज हो गया है। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू कितना है, माइनस का 1 और माइनस का 2 का स्क्वायर, एक्स टू एक्स वन प्लस वाई टू एक्स और वाई वन कितना है माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू यहां पे कितना आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, यहां पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, सोल्व करो इसे, 25 इज इक्वल टू 3 3 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सभी को उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस का 9 और ये माइनस का 25 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 क्या है आपके पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना आएगा माइनस का 12, 4 प्लस का 4x प्लस का 4 ये 13 हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 6 और कितना है माइनस का 2 इक्वल टू 0, फैक्टर करने पर क्या है आपके पास, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 6 x इज इक्वल टू 2, तो आपके आंसर कौन से होंगे, x की वैल्यू 2 हो गई, 2 वाला ये आपका आंसर हो गया, बी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, राइट डाउन कर ले, थोड़ा सा फैक्टर की मुश्किल थी। क्वेश्चन आते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड ए, फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, राइट डाउन कर ले इसे, ओके फिर से क्या करना है आपने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है,
डिस्टेंस बिटवीन द, तो ए एंड बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, रूट अंडर क्या लगाओगे, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो यहां पे तो 0 ही हो गया, यहां पे 6 + 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आया। ठीक है, तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, एमसीक्यू आपके खत्म। ट्रू फॉल्स करने जा रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, ओरिजिन आपको पता है ना, जब दो एक्सिस से वाई एक्सिस कट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो आपका ये सही है, ट्रू है आपका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, पॉइंट 1 - 1 एंड माइनस का 1 1 लाई इन सेम क्वाड्रेंट, आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा प्लस माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका उल्टा लिखना है माइनस प्लस होता है। तब साइन देखो क्या है, ये किस सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दोनों का रिवर्स साइन है ना, तो ये सेम क्वाड्रेंट पूछ रहा था, ये फॉल्स है, सेम क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकेंड और फोर्थ में है ये आपका आंसर। ठीक है, फॉल्स हो गया। पॉइंट ए 0 इज सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस, मैंने बोला जिस एक्सिस की बात करें उसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू है ना एक्स की वैल्यू, तो ये ट्रू है आपका, एक्स एक्सिस पे ही है, वाई की वैल्यू 0 है, सही है बिल्कुल। इफ पी ए बाई 3 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान देना। ठीक है, ये दो पॉइंट आपके हैं Q और R, Q की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 और 5, R की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और 3, मिड पॉइंट इसका क्या है P पॉइंट है, इसकी वैल्यू आपको गिवन A by 3 और ये 4, यहाँ पे 1 1 होता है। तो आप क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला, आपने X इज इक्वल टू क्या पढ़ा, X1 + X2 / 2, X यहाँ पे, यहाँ पे क्या A by 3, एक्स वन की वैल्यू माइनस का 6, एक्स टू की वैल्यू माइनस का 2 बाई कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे ए बाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 8 बाई, ये माइनस हो जाएगा 8 हो जाएगा बाई 3 2 बाई 2, 2 से कटिंग करोगे माइनस का 4 आया, तो ए इज इक्वल टू माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3, ए इज इक्वल टू माइनस का 12, तो ये माइनस का 12 है ना, तो ये ट्रू है आपका, सही है क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, 5 - 7 इज एट द डिस्टेंस ऑफ रूट अंडर 74 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब यहां पे 0 0 एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट की वैल्यू दिया है 0 0 यहां पे हो गया, दूसरा पॉइंट कितना है 5 - 7, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला इससे लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया था मैंने क्या होता है, कैसे लगाओगे, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, p ये वैल्यू का नाम दिया हो इसमें, q मान लो pq इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 7 - 0 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 + 49, 7 का स्क्वायर 49, रूट अंडर 74, रूट अंडर 74, तो ये देखो रूट अंडर 74 ही आंसर दे रहा है, सही है, ट्रू है आपका। लास्ट क्वेश्चन इसका, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4, यस बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है यहाँ पे ओरिजिन क्या 2 4 दे रहा है, तो एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4 है ना, तो यही पूछ रहा है आपको, तो ये ट्रू है, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 है, वाई की वैल्यू 4 है ना इसलिए। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स आपके फिनिश हो गए, फिलअप करने जा रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, आपको पता है ओरिजिन से जब भी पूछेगा डिस्टेंस तो ये 0 0 हो गया, यहाँ पे एक्स वाई हो गया, तो आपने क्या कर देना है रूट अंडर बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा ही लगा लेना है, तो आपका आंसर क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सीसा ऑफ द पॉइंट 3 - 4, आपको पता होना चाहिए, अब सीसा जो होता है एक्स पॉइंट को सीसा बोलते हैं, वाई पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो आपका अपसीसा कितना हो गया 3 आंसर हो गया, एक्स एक्स को क्या बोलते हैं एक्स पॉइंट को अपसीसा, वाई पॉइंट को ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A 4 1 फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस डिस्टेंस
आपको किससे मांग रहा है, y एक्सिस से डिस्टेंस मांग रहा है, तो x का पॉइंट आपने बता देना है, कौन सा पॉइंट बताना पड़ेगा, x की वैल्यू। तो ये 4 आपका आंसर हो गया। इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ab, m क्या है यहां पे मिड पॉइंट है ab का, देन द ऑर्डिनेट ऑफ m, आपने क्या है मिड पॉइंट जब भी देखो इन दोनों को ऐड करो, 6 आया और 2 से डिवाइड दो, 3 आ गया सॉरी फिर 7 और 3 को ऐड करो, 10 आएगा, 2 से डिवाइड दो, कितना है 5, तो 3 5 हो गया आपका आंसर, 3 और 5। फिर 3 और मोर पॉइंट ऑन द लाइन आर कॉल्ड, 3 और कई पॉइंट यहां पे पड़े हों तो हम इसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, क्या बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर बोलते हैं इसे, कोलिनियर पॉइंट्स। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट माइनस का 1 7 एंड 4 माइनस 3 इन द रेशियो ऑफ 2 3 इज, तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग करना है, एक्स की वैल्यू क्या होती है एम प्लस एन, एम प्लस एन एक्स टू और या एक्स वन, वाई की वैल्यू पढ़ाई थी एम प्लस एन, एम प्लस एन वाई टू यहाँ पे वाई वन, ये फॉर्मूला से आपको करना है। तो मैं यहाँ पे इरेज करके करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, तो क्या लिखोगे x की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, n की वैल्यू कितनी है 2 और 3 है, यहाँ पे भी 2 और 3, यहाँ पे y की वैल्यू लिख दो 2 और 3, यहाँ पे भी 2 और 3, यहाँ पे भी x2 की वैल्यू लिखो, x2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है, y1 की वैल्यू 7 है, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 1 आया, इसे सोल्व करते हैं y इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 20 1 अपॉन 5 कितना आएगा 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, 1 3 आपका आंसर हो गया 1 और 3, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और इस चैनल को हो सकता है सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।